आज सामान्य जनों में व्यायाम आहार विधि के बराबर सेवन न करने वजह से मुख्य रूप से हड्डियों के बीमारियां, जैसे आज कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की क्षीण अवस्था और विटामिन डी की कमी से अनेक अस्थि रोग सामान्य छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको हो रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से आर्थराइटिस यानी संधिवात एक ऐसी बीमारी है जहाँ दो संधियों के बीच में जो श्लेष्म पदार्थ रहता है उसका क्षय होकर घुटनों का दर्द हुआ जाता है। इससे इसके इलाज में आज आधुनिक विज्ञान में मुख्य रूप से वेदनाशामक दवाएं दिया जाता है, जिनके कि बहुत सारे दुष्परिणाम पाए गए हैं। आयुर्वेदिक में इसी परंपरा में और एक समस्या भी आज उसका समाधान है, वो है हड्डी टूट जाना, जिसे फ्रैक्चर किया कहा जाता है। तो इन हड्डी क्षय में और हड्डी के जो घात होता है, हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है, उसके लिए एक विलक्षण जड़ी अपने आयुर्वेदिक में है जिसका नाम है अस्थि श्रृंखला एक नाम है, और दूसरा उसका पर्याय है अस्थि समाहारक, मतलब जो अस्थि को बांध कर रखता है, अस्थि को संभाल के रखता है, अस्थि से को ताकत पहुंचाता है, उसको अस्थि समाहारक नाम दिया गया है। ये अस्थि समाहारक एक बेल है, बहुत उसके आप कांड देखेंगे, उसका कांड देखने पर आपको मालूम होगा कि वो बिल्कुल एक अस्थि के समान ही दिखता है आपको चारों तरफ से। इसमें और भी एक रहता है, ये चार धाराएं हैं, थोड़े लोगों में तीन धाराएं रहती, इनको में दो धाराएं रहती, लेकिन आप दूर से देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एक अस्थि के समान ही इसका रूप होता है। इस वजह से हम लोग आयुर्वेदिक में इसका उसमें इसका अस्थि रोग में और मुख्य चरतः जहाँ अस्थि का घात हुआ है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य रूप से एक मूलिका के समान करने में थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि इसमें थोड़े उग्र गंध वाले, तीक्ष्ण गंध वाले स्वरस रहता है, जिससे कि शरीर में दाह होता है, दाह होता है, कंडू होती है, कुछ ददरु के समान होने की अवकाश रहती है। तो इसके लिए हमारे आयुर्वेदिक में इस जड़ी बूटी से एक मुख्य रूप से एक दवा बनाई है जिसका नाम है लाक्षादी गुगल। यह लाक्षादी गुगल का मुख्य गवय गुगल और लाक्षा है, उसके साथ इस हड्जोड़ का रस की भावना या उसके काढ़े का भावना दिया जाता है, जिससे कि इस जड़ी के जितने भी उच्च कम के जो गुण हैं वो उस औषधि में आ जाए और इसके जो दुष्प्रभाव रहते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार ये हड्जोड़ का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है, और बाह्य लेप में इसके पत्तों को, इसके कांड को भी कूट कर थोड़ा इसमें अपने अर्जुन की छाल में उसको मिला के घुटनों के दर्दों में लेप किया जाता है, उससे भी बहुत फ़ायदा हो देखा जाता है। उसी प्रकार आहार रूप में दक्षिण भारत में मुख्य रूप से आंध्र के प्रांतों में इसकी जो कोमल कोमल डंडियां रहती है, इस कोमल कोमल डंडियों से एक चटनी बनाई जाती है जिसमें इमली, लहसुन, कांदा, प्याज, लहसुन और अदरक, इमली डाल के बनाया जाता है और आहार रूप में सेवन किया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा दीपन, पाचक और हड्डियों की ताकत के लिए बहुत अच्छा रुचिकर चटनी के रूप में बनाया जाता है। और इसके थोड़े लोग क्या करते हैं, जैसे इसको बेसन में मिला देते हैं या उड़द की दाल में या बेसन में मिला के उसके बड़े बनाते हैं या पकौड़ी के सामान बनाते हैं, पकौड़ी बना के देते हैं, उससे भी मुख्य रूप से ये मन्याशूल, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहते हैं, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं घुटने के दर्दों में, वो उड़द की दाल और इसके कौले कौले जो कांड है उसमें मिला के देने से, और घी में उससे भूनना चाहिए, तेल में नहीं, घी में भून के पकौड़ी बनाई जाती है, उसका सेवन करने से इसका अपने घुटने के दर्दों में, मन्याशूल में, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और आज थोड़े कंपनी वाले
सिर्फ एक मूलिका के समान इसके हटजोड़ नाम से कुछ विशेष दवाइयाँ भी मार्केट में आई हैं जिनका भी अच्छा उपयोग आया है। और पर्यावरण की दृष्टि देखने में ये झाड़ एक रेगिस्तान में की वैरायटी का झाड़ है, यानी इसे न धूप की न ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये कहीं भी विस्तार से फैल जाता है। 50 डिग्री 45 डिग्री भी अगर वातावरण उष्ण है तो भी ये झाड़ में ये हरापन हमेशा रहता है। तो इसमें ये प्रकृति ने दिया हुआ एक महाबल है इस जड़ी में। और अभी आधुनिक पर्यवेक्षणों से ये चला है, मालूम चला है कि इसमें जो श्वास प्रक्रिया होती है इस जड़ी बूटी में, श्वास प्रश्वास यानी फोटोसिंथेसिस जिसे आज बोलते हैं, उसमें करने के टाइम में ये ऑक्सीजन नाम का जो पदार्थ है, जो प्राणवायु है, वो वातावरण में ज़्यादा छोड़ती है। उससे वातावरण में जो प्रदूषण है, वातावरण जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है, वहाँ पे इस जड़ी का बहुत प्रमुख इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े फंक्शन हॉल्स है, ऑफिसेस है, वहाँ पे बिल्कुल बंद रहते हैं, वहाँ सिर्फ एसी और ऐसे रहते हैं कि जो जहाँ पे बिल्कुल कलुषित वायु रहती है। ऐसे स्थान में अगर इस जड़ी को अंदर लगा दिया जाए तो वहाँ पे जो दूषित वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको निकाल के ये जड़ी वहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन देती है। इसके बारे में भी बहुत अनुसंधान हुआ है और भी अनुसंधान होना चाहिए, क्योंकि इस जड़ी के बारे में आयुर्वेदिक में बहुत लिखा है और सामान्य जन जिनको कोई भी जड़ी बूटी को बारे में मालूम भी नहीं है, वो उसको आहार के रूप में सेवन कर रहे हैं। जब जो वस्तु आहार के रूप में जब सेवन किया जाता है तो उसका समाज में उस जड़ी बूटी के बारे में कितना प्रचलन होगा, आप सोचिए। इसलिए इस जड़ी को हर जगह लगाइए और पृथ्वी को हरा करिए और अपने जो आरोग्य की जो पुरा अपने घर अपने पास जो पुरानी बीमारियां हैं, घुटनों के दर्द है, हड्डियों के जो प्रॉब्लम्स है, उनमें आप कम करने में ये जड़ी बूटी आपको बहुत सहायता करेंगे।